हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका नूतन गोल्डी व्लॉग्स में। तो मैं जा रही हूँ चाय बनानी, चाय के साथ चीला बनाऊंगी साय। और मैंने नहा धो ली हूँ, और मैं नहा धो के पूजा भी मैंने कर ली है। तो आज है बोटिंग, तो मैं जाऊंगी बोट डालने। तो मिलते हैं आपको अभी थोड़ी देर में, मैं बना लेती हूँ चाय और चीला, फिर दोबारा मिलते हैं आपसे। ये देखो मेरी चाय तैयार हो चुकी है, देखो ये लाल मलाई आ गई, इसका मतलब चाय अच्छे से पक चुकी है, चाय रेडी हो गई है। ये देखो मैंने चीला बनाने के लिए बना लिया पेस्ट। तो अभी मैं आपको पूरा चीला कंप्लीट बनाकर, ये तवा गर्म हो गया है, मैं दिखाती हूँ। कोई फ़ोन पकड़ने वाला नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देती बनाते हुए, अभी दिखाती हूँ आप, रुकिए। ये देखिए मेरा चीला पकने वाला है, चीला मेरा थोड़ा सा तैयार हो चुका है, थोड़ा सा रह गया है। ये देखिए तो ये हो गया चीला पूरा रेडी, खाने के लिए तैयार हो गाइस। तो आ जाइए खा लीजिए आप चीला। ये है हमारी चाय। इतनी गर्मी हो रही है, देखो पसीने आने लगे, और देखो गर्मी की वजह से मेरी फुंसी सी निकल रही है, मेरी आँख पे सूजन आ रही है, देखिए दिख रही होगी आपको। तो अभी मैं आपको खा के बताती हूँ चीला कैसा बना है। थोड़ा सा यम्मी गाइस, रियल में बहुत टेस्टी बना है, सच में खाने में बहुत टेस्टी है। तो गाइस मैं कटोरी ले आई, चाय गर्म थी तो मैंने सोचा गर्म चाय है तो मैं कटोरी में पीती हूँ, ज़्यादा गर्म चाय होती है तो थोड़ी थोड़ी करते के पीती रहती हूँ। पर सच में चीला बहुत टेस्टी बना है। ओम बोलो पापा, ओम गाइस को सबको राम राम करो, राम 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 राम, हेलो करो, हाय करो, हाय। फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ तैयार, मैं जा रही हूँ बोट डालने, मिलते हैं आपसे बोट डालने के बाद। सारा काम ऐसे ही पड़ा है, आके मुझे सारा काम करना है। छोटा वाला बेटा बहुत परेशान करता है, उसके पीछे ही भागते रहो जब देखो। फ्रेंड्स गर्मी बहुत है, सब्जी रखी हुई थी, मैं सब्जी के ही परांठे बनाने लग गई। अब सब्जी में आटा गूंद लो, जो आटा हो तो उसमें सब्जी डाल लो तरी वाली, और फिर उससे अपने परांठे बना, बहुत टेस्टी बनता है। जो है मैं देखो परांठा बना रही हूँ, एक मिनट में अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसे बना रही हूँ मैं। ओके अभी ये देखिए कि मैंने इसमें सब्जी, वो जो है थी सब्जी, उसमें यहाँ भून लिया है, देखिए। और ये चावल में मैंने तड़का लगा ली, चावल भी खिले रात के। देखिए गाइस पराठे तैयार है, देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। सब्जी में से आटा गूंद के बनाया मैंने, ये थोड़ी सब्जी बची है, ये चावल मैंने जैसे कि आपको दिखाए थे, ये सैंध की सब्जी है, और ये चाय बनाई है मैंने। फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ अपने हस्बैंड का इंतज़ार, वो आ जाएं तो बैठ के हम खाना खाएं। आज बहुत थक गई, बहुत ज़्यादा परेशान कर, पता नहीं क्यों इतना ज़िद्दी होता जा रहा मेरा छोटा वाला लड़का, और अब सो गया है वो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, गुड बाय।